हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और एक बार पुनः आप सभी का 2x2 4 नंबर आगे कराने वाली क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। अरावली की चोटियां ऊंची नीची किस जिले में स्थित है, कितनी ऊंचाई है, आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के बाद 1000 जन्मों तक के क्वेश्चन याद रहने वाले हैं। कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, गुरुजी को बुलाई थी उसकी शिष्या, जाना नहीं था चला गया, और जब चला गया तो क्या कर्मकांड होता है, और अंत में कबाब में हड्डी बन के ये बाबा जी आ जाते हैं, माहौल बिगड़ जाता है। बड़ी तगड़ी प्यारी कहानी है। आज के बाद नींद में भी कोई उठा के चोटियों का क्रम पूछेगा तो तुम 10 सेकंड नहीं, 5 नहीं, 2 सेकंड नहीं, एक पूछते ही आप आंसर कर दोगे, यकीन गारंटी के साथ लिखवा के कह रहा हूं मैं। तो 10 मिनट के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, इश्क मोहब्बत की बातें होगी एक प्यारी सी कहानी के साथ, आज सारी की सारी चोटियां। और राजस्थान का बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा, नीचा से नीचा, चौड़ा से चौड़ा, कोई सा भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म उठा के देख लेना, उसमें 10-15-20 चोटियों का कंटेंट आपको मिलेगा, सिर्फ मिलेगा लिखा हुआ, याद तो कतई कोई नहीं करवाता है। यहां पे नंबर देखिएगा पूरे 35 है, और 35 के 35 से क्रम से याद करवाऊंगा, क्रम से याद, है ना। तो अब इसका लुप्त उठा लीजिएगा, आ जाओ भाई, ये हम अवरोही क्रम में करेंगे। अवरोही क्रम बोले तो घटता क्रम, अब घटता क्रम याद हो गया तो बढ़ता क्रम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इधर आओ भाई साहब, सबसे ऊंची है गुरु, गुरु से इश्क हो जाता है शिष्या को, ध्यान रखना, गुरु से इश्क हो जाता है, मतलब गुरु को दिल दे दिया शिष्या ने, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, दे देते हैं। हमारे कॉलेज के समय की घटना मुझे याद आती है, मेरे एक दोस्त को हमारी मैडम से प्यार हो गया था, है ना, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैडम थी, उससे प्यार हो गया था, है ना। और प्यार किसी से भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, ऊपर से अंधा और है, बताओ, एक तो बच्चा है ऊपर से अंधा और होता है, और अंधे का एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा है। जिस मेरे दोस्त को मैडम से प्यार हुआ था, उसकी हकीकत बताऊं दोस्तों, वो मैडम इतनी सुंदर थी, सुंदर लोगों को देखते हैं, इवन अगर अपोजिट जेंडर देखता है तो अच्छी बात है, लेकिन सेम जेंडर भी देखने लगता है। उस मैडम को जब वो साथ में चलते थे, उस मैडम को लड़के तो देखते थे, लड़कियां भी देखती थी, और वो मेरा दोस्त इस खुशी में पागल होता रहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है कि देखो लड़कियां भी इसको देख रही है। वो तो उसको 4 साल बाद में वहम उसका जाके खत्म हुआ कि वो मैडम को नहीं देखती थी, वो लड़कियां मैडम को नहीं देखती थी, वो ये देखती थी कि वाकई में प्यार अंधा होता है, है ना, समझ गए होंगे। तो गुरु से इश्क हो जाता है, ठीक है, गुरु से इश्क हो जाता है, मतलब दिल दे दिया ना, गुरु से दिल, है ना, गुरु से दिल लड़ा लिया, ठीक है, गुरु शेर, गुरु सीकर शेर दिल वड़ा, गुरु से दिल लगा लिया। अब भाई साहब जब गुरु से दिल लगा लिया तो कहते हैं ना, वो शिष्या कहेगी, वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, गुरुजी चले जाएंगे, यही गलती हो जाएगी गुरुजी की। तो गुरु से इश्क लड़ा लिया, दिलवाड़ा, ठीक है, गुरु से दिल लगा लिया। अब वस्तु वो बुलाएगी कि जरा जरा पास तो आओ, एक तो तिजारा जिला था जिसमें नुह से सीमा लगी थी, है ना, जरा जरा पास तो आओ, नाखूनों से सीमा लगी थी ना, नुह से, मेवात से सीमा लगती थी हमारे तिजारा जिले की, जो हमने पढ़ा था। तो अब वो शिष्या कहेगी, है ना, अब गुरु शिष्या प्यार हो सकता है भाई, किसी से पूछ सकता है, मैंने कहा आपको, ठीक है। तो गुरु से दिल लड़ाया, अब दिल लड़ा लिया तो वो शिष्या कहेगी, जरा जरा गुरुजी, जरा जरा पास तो आओ। अब इसको कहा था गुरुजी को, कहा था सभी बच्चों ने भी कहा था, गुरुजी मत जाना, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, गुरुजी चले गए भाई साहब, वो बुला रही थी, जरा जरा जरगा पास तो आ, गुरुजी चल दिए, है ना, कह रही गुरुजी आ जाओ, है ना, चल दिए, चले, और बाबू, है ना, अपने बाबू के पास, ठीक है, बाबू सोना, वही बाबू सोना वाला, ठीक है, तो चल दिए। ये बाबू कोई नहीं करवाता है, ध्यान रखना, ये आबू कोई नहीं करवाता है, जयराज धोनिया कोई नहीं करवाता है, शायरा लीलागढ़ कोई नहीं करवाता है, और आगे देखना भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा जो आपका बिना पढ़े मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो, जरा जरा पास तो हा, तो भाई साहब बाबू के पास चल दिए अपने बाबू के पास दोस्तों, ठीक है। तो जरा जरा पास तो हा, तो सर जी चल दिए बाबू के पास, ठीक है। अब भाई साहब जब चल दिए तो चल के दोस्तों कहां जाएंगे, वो सोचो, गुरु शिष्य का इश्क है, कहां जाएंगे, सबसे ऊंचे किले पे, है ना, कौन सा किला है, कुंभलगढ़ किला, कुंभा ने बनवाया, कहा जाता है अब्दुल फजल के द्वारा कि इसको नीचे से देखने पे ऐसा लगता है जैसे पगड़ी गिर जाएगी, इतना ऊंचा है। तो देख रहे हो भाई सब, कुंभलगढ़ चोटी आ गई, कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे, ठीक है। तो आबू कुंभलगढ़ से पहले आबू, बाबू है ना, बाबू मिलेगा उससे, दोनों बाबू सोना की मुलाकात होगी, और वो चले जाएंगे कुंभलगढ़ फोर्ट में, और कुंभलगढ़ फोर्ट में मंदिर बने हैं 360 से ज्यादा, इसीलिए जा रहे हैं कि मंदिर में जाके अपनी अरदास रखते हैं, क्या पता स्वीकार हो जाएगी। तो कुंभलगढ़ गए, मैंने कहा कि 360 मंदिर है, तो मंदिर में क्या करेंगे भाई साहब, जय हाथ धो के, पहले तो हाथ धोएंगे जाके, टूटी लगी होगी ना नाली, ना
समझ रहे हो भाई, हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले हाथ धोते हैं। तो कुंभलगढ़ में 360 मंदिर है, कुंभलगढ़ जो कि सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। अगर किलों में बात करें तो अचलगढ़ है, उसके बाद कुंभलगढ़ है सबसे ऊंचा, ठीक है। और कुंभलगढ़ के बारे में अब्दुल फजल ने कहा कि पगड़ी गिर जाएगी इतना ऊंचा है कुंभलगढ़ में। दोस्तों जाके हाथ धोए, धो करके दोस्तों हाथ जोड़े और क्या जय श्री राम जय राम सिया राम करने लगे, ठीक है। देखो हाथ धोए, धोनिया चोटी है, उसके बाद जय राम अपनी अरदास रखने लगे, जय श्री राम बोले, जय राज हाथ धो करके जय राज बोला। और जय राज बोलने के साथ ही फिर दोस्तों वो बड़ी गहरी मंत्रणा के साथ भजन गाते वहां पे, क्या रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। पहले तो जय बोली, जय श्री राम, मंदिर में गए, ठीक है, जय श्री राम बोला और उसके बाद है ना क्या रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। दोस्तों ये था रघुनाथगढ़, रघुपति राघव राजा राम। तो रघुनाथगढ़ कैसे आएगा, पहले हाथ धोएगा, फिर मंदिर में जाएंगे, जय श्री राम जय राज बोलेंगे और उसके बाद रघुपति राघव राजा राम रघुनाथगढ़ आ जाएगा। अब उसके बाद हो गया इनका काम हो गया। अब दोस्तों ये कुंभलगढ़ से नीचे उतरेंगे और एक खेत से होते हुए चले जाएंगे, सड़क वड़क से तो कुछ देख लेंगे, गुरुजी है फेमस, ठीक है ना मुझे मत समझ लिया भाई दादा, ठीक है तुम फीलिंग मत ले लेना पूरी, ठीक है। अब देखो माल खेत जो है, देखो अब खेत से जा रहे हैं, कुंभलगढ़ से नीचे उतर लिया, ये खेत में दोस्तों लोग काम कर रहे हैं, कोई छेड़ लेगा उनको, छेड़ेगा ना भाई, कमेंट कोई भी कर देगा, ठीक है। देखो तो इतना आया समझ में, पूरा याद रहेगा आज की बात, आरोही अवरोही कुछ भी पूछे उड़ा दोगे आप। तो देखो गुरु से इश्क हुआ दिल दे दिया है ना, तो वो कहेगी जरा जरा पास तो आओ, गुरुजी चल दिए अपने बाबू के पास, जब बाबू के पास चल दिए तो कुंभलगढ़ किले में जाते हैं, हाथ धोते हैं, जयराज बोलते हैं और रघुपति राघव राजा राम के साथ भजन गा करके अपनी अरदास रख करके जो भी उनको प्रेम प्रसंग कसमे वादे करनी थी शादी करनी थी करके वापस नीचे उतरते हैं। और अब जा रहे हैं वो खेत से, ठीक है, खेत से जा रहे हैं भाई, सड़क पे समझ रहे हो, खेत से जाए भागते, जो लोग भागते हैं वो खेत से जाते हैं, ठीक है, खेत से जा रहे थे। अब भाई साहब तगड़ा होगा यहाँ पे, लड़की लोहा लेगी, देखो खेत से जा रहे थे, अब खेत से जाओगे तो आपने ये देखा होगा कि आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ जाते हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां आदमी होते कमेंट मार ही देते हैं, है ना। प्राचीन समय में तुमने भी मारा होगा, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी होगी तब तुम्हें समझ आया होगा कि कमेंट नहीं मारना था। ये होता है जब कोने वाले हार्ड पे लगती है ना, दर्द उसी को होता है, तो कभी बचकाने में तुमने मारा होगा कमेंट, लेकिन तुम पे किसी ने मारा तो तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। तो माल खेत से जा रहे थे, फिर हुआ ना खेत से पतली गली कोई रास्ता पकड़ रहे होंगे, माल खेत से जा रहे थे उतने में वहां पे मजदूर काम कर रहे होंगे और किसी ने कह दिया होगा भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो बड़ा माल है। भाई कॉमन कमेंट है ये, तो सबको पता है कि क्या माल लग रही है, क्या सूत्री लग रही है ना, क्या आइटम लग रही है, लड़के लोग कह देते हैं जनरली, ठीक है। तो माल खेत से जा रही थी तो किसी ने माल कह दिया, बस क्या बात इतनी थी, कमेंट करना था कि शिष्य है वो भी फर गई। शिष्य कहती है गुरुजी तुम रुको साइड में रुको, इनको तो मैं ही देख लूंगी। अकेली लड़की लोहा लेती है, देखो भाई साहब लोहार गर्ल थाना नीम का थाना, ठीक है, तो लोहार गर्ल लड़की लोहा लेगी भाई साहब। गुरुजी को तो कह देती है किसी ने माल कह दिया कमेंट, और कमेंट उससे पर्सनली आया है माल का, तो कहती है गुरुजी तुम साइड में रुको, इनको तो मैं देख लूंगी, चमन, ठीक है ना। तो लड़की कहती है तुम साइड में रुको मैं देख लूंगी, ठीक है, लोहा लेगी लड़की। लड़की कहती है सुनो रे बावड़ो, है ना वो चमन, ठीक है, लोहार गर्ल लड़की कहती है कि मैं अकेला लोहा ले लूंगी, तुम संबारिया को मैं बोल देता हूँ संबारी बारी से सभी बारी बारी से आना, मतलब एक एक करके आना। अबे सुनो चमनचू, सब बारी बारी से एक एक करके आना, अगर एक एक करके तुम आओगे सब साथ में नहीं आओगे। भाई वो फिल्मी सीन क्रिएट करना, आपको खेत में पंगा चल रहा है, गुरु शिष्य जा रहे हैं, किसी ने माल बोल दिया है, शिष्य कहती है गुरु तुम साइड में रुको, इनको तो मैं देख लूंगी, वो कह रही है कि मैं अकेली ही बहुत हूं तुम्हारे लिए, गर्ल लोहा लेगी, कहती है कि संबारिया तुम सभी एक एक करके बारी बारी करके आओगे तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। देखो संबारिया ऋषि केस बोले तो बाल होते ना ऋषि केस, वो कहती है सब बारी बारी से आओगे तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो, बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। ये बहादुरी देख के भाई साहब वहां जो मजदूर हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैं भाई साहब ये तगड़ी लड़की है गुरुजी आपकी, है ना देख रहे हो, तो वो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वाह
वीरता की ताली बजाते हैं भाई, वाह तगड़ा। अब वहां खेत में कौन से फूल आएंगे, सरसों के फूल, सरसों के फूल से उसका स्वागत करते हैं, कितनी बहादुर लड़की है तुमने पहली बार देखी। तो भाई साहब कमलनाथ, कमल के फूलों से उसका स्वागत किया जाता है, सरसों के फूल से स्वागत किया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है कि भाई खेतम क्या डोल रहे होते फिर वहां। अब तब बहादुर आदमी गुरु जी सज्जन आदमी लाग रहे हैं, तू बड़ी बहादुर लाग रही है, इन खेतों में क्यों डोल रहे हो, डंकी से कहां जाओ, ठीक है। तो उनको कमलनाथ, कमल के फूलों से उसका स्वागत किया जाता है, भोजन करवाया जाता है और भोजन करवा के उनको बोला जाता है, जैसा कि तुम्हें भी कहा जाता है अगर तुम भटक जाओ कि तुम्हें कि भाई साहब ऐसा करना, उधर सीधा रास्ता है। देखो भोजगढ़ आ गया, भोजन करवाया गया, कमल के फूलों से स्वागत कराया गया, स्वागत करके भोजन करवाया गया। अब कहा जाएगा कि ये कौन सा रास्ता चढ़ गए तुम, है ना, ऐसा करो, अब तुम्हें भी कोई रास्ता पूछता होगा कि बताओ भाई साहब किधर जाना है, तो क्या कोई रास्ता, तुम भी रास्ता बताते हो कि भाई साहब देखो 500 मीटर सीधे जाना है, उसके बाद टी पॉइंट आएगा, वहां पे एक बाबा जी की थड़ी आएगी, सॉरी एक आदमी थड़ी चाय पानी की थड़ी आएगी, उस थड़ी वाले की क्या पहचान है कि उसके चांद निकला होगा चेहरे पे, है ना, माथे पे, वो आपको बता देगा कि आपको आगे किधर जाना है। लेकिन यहां से सुधा चले जाओ आधा किलोमीटर, फिर टी पॉइंट आएगा, उससे लेफ्ट राइट जो भी है ले लेना, या उसको पूछ लेना थड़ी वाले को, ऐसे ही रास्ता तुम बताते हो। तो जब ये माल खेत, माल में खेत कह दिया गया, गर्ल ने लोहा लिया कि सब बारी बारी से आओ तो मेरा केश भी बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर कमल के फूलों से उसका स्वागत किया गया, भोजन खिलाया गया और फिर कहा गया उनको कि सूदा जाओ, अब आपको यहां से कैसे जाना, खेतों में मत जाओ क्योंकि हम तो मान गए, आगे पता नहीं कोई बातें पड़ गो तो, है ना, तो ये से करो सूदा जाओ, रास्ता बताया जा रहा उसको। सुंदा पर्वत है, सुंदा एक तो होता है ऊंदा, एक है सुंदा, तो सूदा ही बताया जाता है कि भाई सूदा जाओ, यही कहा जाता है ना, सूदा जाओ, ठीक है, सूदा जाओगे तो वो कहते हैं कि सूदा जाओगे, वहां टी पॉइंट पे आधा किलोमीटर आगे एक सज्जन आदमी मिलेगा, ठीक है, वो चाय की थड़ी पे बैठा होगा सज्जन आदमी, है ना, सारे सज्जन आदमी चाय के, मैं तो एक बार हैरान था, कल परसों एक मीम्स देख रहा था कि एक आदमी ने लिख रखा था चाय की थड़ी पे कि रास्ता पूछने के 10 रुपए, मैं क्या बड़ा सही है, धंधा भी चलेगा भाई साहब आने वाले समय में, ठीक है, ठीक है। तो भोजगढ़, वैसे गूगल मैप आ गया, नहीं चलेगा रे, तो गलती सी हो गया, ठीक है, तो भोजगढ़। अब इसके बाद सूदा जाओ, सूदा जाओगे तो सज्जन आदमी मिलेगा, उस सज्जन आदमी की क्या पहचान है लाला, उसके सर पे चांद निकला होगा, जनरली होते हैं टायर पंचर वाले ले लो, चाय वाले हो, उनके सर पे चांद निकला होता है, टाट निकली होती है, टाटगढ़ वही वाला अजमेर सात चरण फेरे और माउंट आबू वाला, ठीक है। तो टाटगढ़ दोस्तों ये ब्यावर में पड़ गया, ठीक है, ये सारा याद करूंगा, ये वाली ऊंचाई, ये जिला, ये भी याद करूंगा, पहले आरोही और अवरोही क्रम देख लो, मजा आ रहा है ना दोस्तों, देखो आगे, देखो देखो टाट निकली होगी, अब टाट निकली है तो टाट निकली है, टाटगढ़ को दोस्तों गोरम और गोरम जी, मोरम जी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब उस टाट निकले हुए आदमी से पूछते हैं, क्या कहा कि सूदा जाओ, एक सज्जन आदमी मिलेगा जिसकी टाट निकली होगी, उससे पूछ लेना, वो आगे का रास्ता बता देगा, सीधी सी बात है, यही होता है ना। अब उसे पूछा गया तो उसने बता दिया उस सज्जन आदमी ने, टाट निकले हुए आदमी ने, कि भाई साहब आगे मान गांव आएगा, कौन सा एक आगे गांव आएगा, मान गांव आएगा, इधर जाओगे तो, ठीक है, इधर भी चले जाना भाई तुम्हें, चले मत जाना मेरे कहने से कि सर इधर बता रहे तो हम इधर चेप देते हैं गाड़ी को, ना कुछ नहीं है, एक कहानी है जो बचपन में नानी दादी मम्मी सुनाई करती थी, आज मैं सुना रहा हूँ, वो भी याद है, ये भी याद रहेगी, और मार्केट में ऐसी ऐसी ट्रिक्स है ना, उन ट्रिक्स का अपने आप में एक सिलेबस क्रिएट हो जाता है, मैं ट्रिक्स से नफरत करता हूँ, मेरा काम है क्या 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 कहानी माध्यम से याद करवाना, क्योंकि कहानी बुलाई नहीं जाती है। और ये देख लो भाई साहब, अब बुला के बताओ, गुरु से इश्क हुआ तो वो कहती है कि जरा जरा पास तो आओ, और गुरुजी हो गए पागल, बुलाती है मगर जाने का नहीं था, गुरुजी चल दिए अपने बाबू के पास, अचलगढ़ बाबू के पास, जब चल दिए तो कुंभलगढ़ किले पे चढ़ के, क्योंकि 360 मंदिर है, वहां जाकर के हाथ धोया, जयराज बुलाया, हाँ जय श्री राम जय राम, और फिर रघुपति राघव राजा राम वहां से नीचे उतर के माल खेतों से जा रहे थे, किसी ने माल पुकार दिया, तो वो लोहा लेती है लड़की, कहती है गुरुजी तुम रुको इनको मैं देख लूंगी, सब बारी बारी से एक एक करके आओगे तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर क्या हुआ भाई साहब, उन्होंने कमल के फूलों से स्वागत करा, उसको भोजन कराया गया और कहा गया कि सूदा जाओ, आगे एक सज्जन आदमी मिलेगा जिसकी टाट निकली होगी, वो आगे का रास्ता बता देगा, और उसने बता दिया आगे मान गांव में चले जाना है, है ना, कितनी प्यारी सी कहानी, आ गया जो फील करना भाई, कमेंट ऐसा ठोकना है जितने मेहनत में करके आए हो ना भाई साहब, अगर उतना कमेंट आपने नहीं ठोका तो ध्यान रख लेना कमेंट में सबके देखता हूं वो मेरे दिल से उतर जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई, है ना, जितना मतलब
आपको पता है ना, जनगणना हो, वन रिपोर्ट हो, कुछ भी के, जितना मुश्किल टॉपिक होता है मैं उतनी ही बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये एकमात्र पूरे राजस्थान का ही नहीं कह सकते, पूरे इंडिया का, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा जीके यादगार एंटी बेच है जिसपे ऑफर भी है मेरे बर्थडे कल 1 जुलाई से। तो आज जब आप क्लास देख रहे हो 30 जून शाम से लेके 2 जुलाई रात 12 बजे तक जीके यादगार एंटी बेच पर दोस्तों ऑफर भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, एग्जाम हम पर अपना ऐप है जिसपे ऑफर में जाके लुप्त उठा सकते हो। सारा जी की इसी प्रकार से याद करवाया जा रहा है, याद ही करवाता हूं मैं, शॉर्ट नोट्स फ्री। और ये शॉर्ट नोट्स नहीं, ये कह सकते हो कि ग्रामर नोट्स किसी भी किताब में, किसी भी बड़ी बड़ी कोचिंग में इतने इफेक्ट नहीं है जो क्रम से हो। ये आबू छोड़ दिया जाता है, आप सभी को पता है, ये नहीं पढ़ाया जाता। और ये पूछा गया सवाल आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जाओ, अब कहा जाता है, वो कह दिया कि आगे मान गांव है, एक गांव में चले जाते हैं, रास्ता बता रहा है, पूछते पूछते जा रहे हैं, और बड़े दुर्भाग्य से उस गांव में मेला लगा हुआ है। गांव में होता है मेला, बहुत भीड़ होती है, पा पू चा चू पी पी ऐसे चलता रहता है। और भाई साहब, उस गांव में जाते ही वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कहीं हाथ छूट जाता है, कहते हैं ना मेला में घूम गया जा, मेला में बिछड़े हुए आदमी मिलते हैं ना बाद में। तो ये उस गांव में गए तो वहां मेला था, वहां खो जाते हैं, कहते हैं ना कहां गया उसे ढूंढो, ढूंढ नदी किनारे ढूंढाड़ क्षेत्र, हमने प्राचीन काल में बोली में पढ़ा था ना, ढूंढ नदी कहां गया से ढूंढो। तो वो जयपुर में किसी खोपचे में टीचर भर्तियों की तैयारी कर रहा है, यही था ना, तो कहां गया उसे ढूंढो, ढूंढना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो खो गया। तो ढूंढ नदी ढूंढाड़ क्षेत्र, ये भी जयपुर था, तो खो नद जो खो चोटी है, खो चोटी है वो विजयपुर में है। तो भाई साहब खो गए, वो खो गए दोस्तों, गांव में गए, हाथ छूट गया और खो गए भाई साहब जयपुर में, खो 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 चोटी जयपुर में चल रहे हैं, उस गांव में गए, खो गए भाई साहब। अब जब खो गए तो विरह के गीत गाए जाएंगे, है ना, विरह के गीत क्या कहेगा, पहले लड़की गाएगी, लड़की ज्यादा प्यार में है शिष्या, तो कहेगी गुरु जी तुम मेरे शायर, मैं तुम्हारी शायरी, है ना, तुम मेरे, मैं तुम्हारी शायरी, तुम मेरे शायरे से गाने ना आजकल, मैं तेरा बिंद बिंदी, तू मेरा बिंदा, है ना, आजकल कुछ भी है ना, हनी सिंह और बादशाह आने के बाद तो फिर और भी कुछ भी हो गया ना, गाने से चलते हैं, मैं तेरा शायर तू मेरी शायरी। तो भाई साहब शायरा शायरा शायरा, देखो विरह के गीत गाए जा रहे हैं। और होता ना दोस्तों जब मेले में होता है तो वो क्या बोलते हैं, साउंड में आवाज लगाई जाती है, हेलो 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 हमारी वाली गई, है ना, घूम गई, कोई पहुंचा दो, तो ये फिर माइक में जाके गा रही है, मैं तेरा, आवाज से पहचान जाएगा ये, तो भाई इश्क मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो मैं तेरी शायरी तू मेरा शायरा, लड़की ने, दूसरे माइक में लड़का गा रहा है, मैं तेरा लीला, मैं तेरा मजनू तू मेरी लीला, है ना, लीलागढ़ दोस्तों, तो शायरा है और लीलागढ़ दोस्तों दोनों ही उदयपुर में है, ठीक है, ये करूंगा सर याद। तो हो गया, तो खो गए, खोने के जस्ट बाद विरह के गीत गाए जाएंगे, क्या मैं तेरी शायरी तू मेरा शायर शायरा, फिर लड़का कहता है मैं तेरा मजनू तू मेरी लीला लीलागढ़, तो शायरा और लीलागढ़ दोनों क्रम से ऑप्शन में पूछा गया है। जब क्रम से है तो ध्यान रखना, लड़की को ज्यादा प्यार है, पहले विरह का गीत लड़की गाएगी कि मैं तेरी शायरी तू मेरा शायरा, फिर लड़का कहेगा मैं तेरा मजनू तू मेरी लीला लीलागढ़ दोस्तों, ये पूछा गया है और कई टीचर्स इनको पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखो भाई साहब, वो तेरी शायरी है, लीला है, मजनू है, कुछ भी हो, एक बात तो हमें पता है, प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए चांद होते हैं, है ना, कहते तू मेरा चांद तू मेरा चांद, अब चांद तो इतने सारे कहां से लाए, तो तारे बहुत हैं, तारे, है ना, तारे तोड़ लेते हैं इनके लिए, तो है ना। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे के आंख के तारे तो हैं, ठीक है। तो भाई साहब तारागढ़, देखो शायरी शेरो शायरी होगी इनकी, विरह के गीत आ गया कि मैं तेरी शायरी तू मेरा शायरा, मैं तेरा मजनू तू मेरी लीला लीलागढ़, तो ये आ गया। उसके बाद हम कुल मिला के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एक दूसरे के लिए तारा तो जरूर है, चांद भले ही नहीं है, तारा तो है, ये तारागढ़ दोस्तों अजमेर वाला टोडगढ़ ब्यावर में गया है, ठीक है। तो ये तारागढ़ अजमेर में आ गया, तो शायरा लीलागढ़ तारागढ़। अब उसके बाद भाई साहब, अब एक दूसरे का तारा है, यार मैं तुमसे कहता हूं इन तारों को मिला दो, इनकी डोर आपस में मिला दो, क्योंकि बिछड़ चुके हैं, अब इनकी डोर वापस मिलाना है, डोरा पर्वत दोस्तों, डोर मिलाने के लिए क्या क्या यत्न किए जाएंगे। तो दोस्तों डोर कैसे मिलेगी, क्या कहा जाता है, अगर भीड़ में कोई खो जाता है, गांव के मेले में खो गया, तो क्या कहा जाता है, या तो ऐसे स्थान पर बुलाया जाता है जो सबसे ऊंचा हो, या मंदिर की मूर्ति के पास बुलाया जाता है कि इधर आ जाओ, या कोई और साइड में स्थान देखा जाता है कि फलाने घर की छत पे, वो जो दिख रही है उसकी छत पे, या झूले के पास आ जाओ, ऐसे ही बोला जाता है ना। तो अब भाई साहब यहाँ पे कहाँ बुलाया जाएगा, एक बगल में, उस मेले के बगल में एक पानी की वो है, बावड़ी है, पानी की बावड़ी है, पानी की झील, लड़की पड़गी, अब भाई मेला तो समतल जगह पे होगा ना, पानी में कौन लगाएगा, तो कह दिया उनको कि भाई तुम जाओ पानी में, पानी में तुम्हारी डोर मिल जाएगी, है ना,
पानी में तुम्हारी डोर मिल जाएगी, क्योंकि पानी में भीड़ नहीं है, दिख जाएंगे कि भाई वो थोड़ा मथाराली तैर रही है, मैं भी जाओ तैरू, ठीक है आ जाओ भाई। तो देखो डोरा डोर मिलेगी कहां, नागपानी, पानी में दोस्तों। नागपानी उदयपुर में नहीं करवाया जाता, सिर्फ नाग पहाड़ करवाया जाता है और नाग पानी पूछा जाता है, और तुम एग्जाम में बटको नहीं सिलेक्शन लेके आओ। इसलिए अब इतने फैक्ट क्या सकता है, क्रोशे करके एक चीज को उनके ऊंचाई अवरोही आरोही क्रम में फिर ये कंटेंट देना क्या छोटा मोटा काम है। मैं गारंटी देता हूं, लिख करके देता हूं, पूरे राजस्थान में एक भी टीचर का, चाहे वो 1 लाख फीस लेता हो, चाहे 500 रुपए, चाहे 99 रुपए लेता हूं, एक भी टीचर का ये बता देना कि उसने 35 चोटियां लिखवाई है। याद छोड़ो, याद तो बस की नहीं है, अगर लिखवाई भी है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी है। स्क्रीनशॉट दे देना 9256-5842-40, ये हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज डाल देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा, यकीन गारंटी के साथ। इतना फैक्टुअल चीजों क्रॉस चेक करके, इतना ऑथेंटिक चीजें 35 अगर किसी ने लिखवाई भी है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, याद नहीं लिखवाई भी है तो, इस बात को समझना आप, ठीक है। तो देखो डोरा पर्वत है, अब उनका डोरा कहां मिलेगा, डोरा जुड़ेगा पानी के अंदर, ठीक है, पानी में जुड़ गया भाई साहब डोरा। अब दोनों ये वापस एक दूसरे को हक करते हैं, फिर लड़की कहती है भागो यहां से, भागो, गो गो गोविंदा, है ना, गो गो गोविंदा भाई साहब, गो हो जाओ यहां से। लड़की कहती है गुरुजी यहां से गो गो गोविंदा हो जाओ, गो गो गोविंदा, गो गो गोविंदा, है ना, गो गो गोविंदा हो जाओ, भाग जाओ। गुरुजी पूछते हैं ऐसा क्या हुआ, थोड़ा मेड़ा में ताड़ लेने दे, लड़कों की आदत है ना, ठीक है, तो क्या हुआ ऐसा, ताड़ लेने दे थोड़ा। तो लड़की कहती है ना यहाँ पे हमको किसी की नजर लग रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि भाई मेड़े में आती तो खो गए दोनों, खो गए, मैं तेरा शायर तू मेरी शायरी, मैं तेरा मजनू तू मेरी लीला, तारागढ़, ठीक है, तारागढ़ के पास उनको दोनों को क्या मिलाया जाएगा, डोरा मिलाया जाएगा उनका, पानी में मिल जाता है। लड़की कहती है गो गो गोविंदा भागो यहाँ से। गुरुजी पूछते हैं कि बात क्या हुई, कि हमको यहाँ किसी की नजर लग रही है। इसराना को मैं कह दूं क्या, नजराना, कोई अतिशयोक्ति नहीं हो तो, ठीक है, तो इसराना को नजराना भाकर, नजराना भाकर जालौर में, ठीक है, तो इसराना को मैंने नजराना बोल दिया, हमको किसी की नजर लग रही है, भागो, है ना। तो गोगुंदा के बाद इसराना भागकर, भाई साहब अब वो यहां से चाहते नजर लग रही है, तो यहां से निकलते हैं, इस गांव से निकलते हैं, हंसते खेलते हर्षोल्लास के साथ वो नाग पहाड़ी अजमेर पहुंच जाते हैं, है ना। तो हर्ष पर्वत, हर्ष पहाड़ी शिखर में है, तो यहां से निकलते हैं गो 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 गोविंदा, ठीक है, क्योंकि इनको नजर लग रही थी, है ना, गो गो गोविंदा, इसराना भागकर नजर लग रही थी, नजराना इसराना, तो भाई साहब वो हर्षोल्लास के साथ यहां से निकलते हैं और नाग पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, नाग पहाड़ी अजमेर वाली जहां लूणी नदी है, ठीक है, नाग पहाड़ी पे हर्षोल्लास के साथ निकलते, अब भाई रस्ते में तो हर्षोल्लास के साथ ही रहेंगे, नाग पहाड़ी पे पहुंच गए, नाग पहाड़ अजमेर में। अब देखो एक है नाग पानी, एक नाग पहाड़, अब आपको समझ आ गया होगा कि उनको नजर लग रही थी, पानी में डोरा मिला और वो चल के निकल के कहां, पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, वहां तो सेफ होंगे, क्योंकि पहाड़ पे काल भैरव का मंदिर बना है, शंकर भगवान का मंदिर बना है, उसकी सुरक्षा में, उसके चरणों में चले जाते हैं। तो नाग पहाड़ पे मान लेते हैं, ऐसा मत कर देना कि बिराज जो है अलवर में है, ठीक है, नाग पहाड़ पे जहां से लूणी नदी निकलती है वहां एक काल भैरव का मंदिर है, जो भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिसको मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, ठीक है, मैं शिव भक्त हूं भाई, ठीक है, ज्यादा शिव भक्त हूं, बाकी सभी देवताओं को मानता हूं मैं, ठीक है। तो नाग पहाड़ पे चला जाता है, क्योंकि वहां पे काल भैरव भैरव इसको बेहराज को भैरव कर दूं, काल भैरव, है ना, काल भैरव जो कि सबकी सुरक्षा करता है, पापियों का नरसंहार करता है, शिव भगवान, ठीक है। तो नाग पहाड़ पे जाके भगवान काल भैरव का मंदिर था, उसके बगल में जाके किसी पहाड़ी पे इस प्रकार से बैठ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे धोक धोक देके फिर वो साइड में बैठ जाते हैं, अब उनका अपना प्रोग्राम शुरू होता है, है ना, मूड बना होगा, सीधी सी बात है, हरियाली है, बरसात हो रही है, सबसे ऊपर है, अकेले हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, अब तुम बैठे बैठे तो भाई साहब एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है। तो बेराज है ना, बेराज, अब दोस्तों उस उतने में अब ये आराम से इनका चल रहा है ना, पढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब उतने में आ जाता है बाबा जी का बाप में हड्डी बन के, ठीक है, ये बोलते हैं हाँ बाबा जी, देखो बेराज है नाग पहाड़ी, बेराज है काल भैरव, उसके बाद बैठे हैं वो, उतने में बाबा जी आते हैं, लाली दे दे भगवान के नाम पे दे दे, कहते हैं वही यही कहते हैं, उनका रटाफटा डायलॉग होता है, ठीक है। तो बाबा जी आ जाते हैं, ये बाबाई चोटी झुंझुनू बजाते हुए, है ना, आगे याद करूंगा ये तो कल ना, ठीक है। तो बाबाई है, तो बेराज
बाबाई चोटी है, बिराज के बाद बाबाई चोटी है, बाबा आते हैं, कहते हैं कि हे लाली दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, लाली दे दे, अरे बिलाली, लाली, लाला लाली, समझ रहे हो ना, छोटा बच्चा लाला लाली, लड़की को लाली भी कह दिया जाता है, और मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि लाला लाली हूँ, मैं याद कराने वाली क्लास दे रहा हूँ। कमेंट ऐसा टिपटॉप आना चाहिए ना, सिर्फ एक लाइन का नहीं, दो लाइन का नहीं, नाइस रहिए, ये तो सबको आते हैं, इतनी मेहनत कौन करता है, याद कौन कराता है, कमेंट आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो क्या बाबा आता है, कहता है लाली दे देना भगवान के नाम पे, गुरुजी तो 10 रुपए निकाल रहे थे, उतने में लाली कहती है कि रुको, फिर से वही लोहार गल, फिर से कहती है रुको, इनका रोज रोज का काम है रोज रोज का काम है। और ये सही बात है भाई, अक्सर आपके साथ भी घटित हुआ होगा कि यहाँ बाहर जा रहे होंगे तो कुछ 10 रुपए 5 रुपए मांगने वाले आते हैं, कहीं जानबूझ के, कहीं की मजबूरी होती है, तो लड़की हमेशा कहती है कि अरे ऐसे इनको मत दो, लड़का तो फिर भी देने की कोशिश करता है, तो ऐसा ही होता है। तो कहता है बाबा आता है, कहता है लाली भगवान के नाम पे कुछ दे दो, बिलाली बिलाली लाली हो गया ना, बिलाली लाली भगवान के नाम पे कुछ दे दे दो। फिर लाली कहती है कि तो तुम्हारा रोज रोज का है, उधर जाके बैठो, कबाब में हड्डी बन रहे हो, उधर जाके बैठो, है ना, उधर जाके बैठो, रोज रोज का है तुम्हारा तो उधर जाके बैठ जाओ, बेराट में सबके सब बैठे थे, सब पता है ना। तो दोस्तों ये आपको बेराट पहले जयपुर में था, कोटपूतले में आ गया, ठीक है। तो रोजा भाकर तुम्हारा तो रोज रोज का है, उधर जाके बैठ जाओ, कबाब में हड्डी मत बनो। हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चलना चाहिए, हमारा प्रोग्राम ये कंटिन्यू रहेगा। आज जो हमने किया देखेगा, फिर से गुरु से इश्क लड़ाया, जरा जरा पास तो आ, गुरु जी चल दिए अपने बाबू के पास, कुंभलगढ़ चोटी चढ़ जाते हैं, हाथ धोते हैं, जय राम बोलते हैं, जय राज बोलते हैं, और उसके बाद रघुपति राघव राजा राम का भजन के साथ अपनी अरदास चढ़ा करके, शादी ब्याह करके वापस नीचे उतरते हैं, खेत से जा रहे होते हैं, मैं देख नहीं रहा हूं, है ना क्योंकि ये कहानी आपको याद आनी चाहिए, खेत से जा रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो देखो, माल खेत से जा रहे थे, किसी ने माल बुला दिया, लड़के ने लोहा ले लिया, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर के, क्योंकि उसने कहा था कि संबारी सब एक एक करके आओगे तो मेरा केश भी बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऋषिकेश तो कमल के फूलों से उसका स्वागत किया गया, भोजन करवाया गया और कहा गया कि अब खेतों से बाहर निकलो, सूदा जाओ, सूदा जाओगे तो एक सज्जन आदमी मिलेगा जिसकी टाट निकली होगी, वो आगे का रास्ता बता देगा, है ना। सूदा पर्वत सज्जन टोटगढ़, है ना, उसके बाद मान गांव आएगा, उस गांव में दोनों बिछड़ जाते हैं, खो जाते हैं। तो मैं तेरी शायरी तू मेरा शायर, मैं तेरी लीला तू मेरी मजनू, जो भी है लगा लेना, कुल मिला के दोनों एक दूसरे के आंख का तारा है, उनका डोरा मिलाना है तो डोरा मिलवा दो ना यार, कहां पानी में मिलवा दो, जब पानी में डोरा मिल जाता है तो लड़की हक कर देती है और कहती है कि गुरुजी यहां से गो गो गोविंदा हो जाओ, क्योंकि यहां किसी की नजर अपने को लग रही है, नजराना इसराना। तो वो हर्ष उल्लास के साथ आगे बढ़ते हैं और नागपहाड़ी पे पहुंच जाते हैं, जहां काल भैरव को शरण में चले जाते हैं, जो उनकी रक्षा करता है शिव भगवान, वहां पे उनको दोक नमस्कार करके वो बैठ जाते हैं। उतने में सामने से एक बाबा जी आते हैं कि दे दो लाली, भगवान के नाम पे दे दो, किसी के नाम पे नहीं देती, लाली बड़ी खिलाड़ी है, कहती है तुम्हारा तो रोज रोज का है, उधर जाके बैठ जाओ, हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहने दो। और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, आगे देखेगा दोस्तों, आ जाओ, कंटिन्यू रहेगा। याद हुआ कि नहीं आगे देखना, तुम खुद क्वेश्चन सोल्व करोगे, उससे पहले कंटिन्यू करने उससे पहले नया जी की याद गारंटी बेच, नया और पुराना, अच्छी बात है कि ज्योग्राफी नया और पुराना दोनों दे रहा हूं, ठीक है। आओ सभी मिलकर नए भूगोल के साथ नई शुरुआत करते हैं, विद एग्जाम एम्पायर जो आपके सामने खड़ा है बेहतर तरीके से याद करवाता है, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, याद रहेगा यहीं से। और सभी एग्जाम के लिए जीके याद गारंटी बेच चल रहा है, जिसमें रिकॉर्डेड याद कराने वाली क्लासेज होती है, और ये शॉर्ट नोट्स पीडीएफ जो तुम देख पा रहे होंगे, किताबें खरीद ली होगी, उस किताब का रावली का पेज खोलना, 16, 18, 20 से ज्यादा चोटियां हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिक किताबों का निचोड़, है ना, ठीक है। उसके बाद डाउट सेशन के लिए मैं एग्जाम एम्पायर सीधा वहां पर अवेलेबल हूं, चैटबॉक्स में जाओगे तो ये दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है, अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए तो 9256 5542। और मेरे बर्थडे पर दोस्तों, मेरे बर्थडे के अवसर पर 30 जून बोले तो आज शाम से 1 जुलाई और 2 जुलाई रात 12 बजे तक सभी जीके याद गारंटी बेच पर ऑफर रहेगा, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ध्यान रखना, सभी जीके याद गारंटी बेच पर ऑफर रहेगा, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रिट हो, पटवार, सीईटी, जो कुछ तुम समझ सकते हो, राजस्थान का जो भी एग्जाम हो, अगर कुछ समझ नहीं आए कि कौन सा ज्वाइन करना है तो 9256 5542 5542 ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, आपको मैसेज ठोक देना है, गैर जरूरी मैसेज नहीं करना है, जरूरी हो तो ठोक देना है, वरना तो फिर कबाब में हड्डी बनने बाबा जी खुद आ जाएंगे। अब देखो मैं लेता हूं तुम्हारा टेस्ट, बड़ा प्यारा सा, देखो भाई साहब
देखो सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सोचने की जरूरत उनको पड़ेगी। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड नवंबर 2022 की पहली शिफ्ट में निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई का सही अवरोही क्रम, अवरोही बोले तो ऊंचाई का घटता क्रम, यही होता है ना अवरोही। तो भाई साहब देखो, शेर, अचलगढ़, खो, तारागढ़, अरे खोए तो बहुत बाद में थे, है ना, अरे बस, अरे शेर देखो शुरू शुरू में, शेर शेर सब में क्या, बस शेर शेर शुरू में, तारागढ़ शेर नहीं है, खो भी नहीं है, अचलगढ़ नहीं है, बस ये तो निकल गया, शेर था, फिर शेर इश्क विश्क लड़ाया और वो चल दिया अपने बाबू के पास और वो खो गए थे, फिर वो उनका इश्क मोहब्बत हुआ था, मैं तेरा शायर तू मेरी शायरी, लीला मजनू, और उसके बाद आंखों का तारा तारागढ़, तो ये सही हो गया। इसके बाद देखो, निम्नलिखित चोटियों का कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, आरोही और अवरोही ध्यान से पढ़ना, अवरोही के मतलब है घटता क्रम, घटता, और दोस्तों आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा जो मैंने पढ़ा है उसका। तो देखो अब अवरोही पूछ रहा है, क्या कहता है, सज्जनगढ़ है, शायरा है, नागपानी है, गोविंदा है, गोगुंदा, अरे रे रे रे, देखो देखो सज्जनगढ़, तो मतलब ये चार नाम, तो सज्जनगढ़ इनमें सबसे पहले सज्जन आदमी मिलेगा, ठीक है, तभी तो वो गांव में जाएंगे, फिर खो जाएंगे, और इसको शायरी होगी, गोगो गोविंदा होगा, ठीक है, तो गोगो गोविंदा पहले कैसे आ जाएगा, क्योंकि सज्जन आदमी उनको रास्ता बताएगा गांव का, ठीक है, नागपानी कैसे आ जाएगा, इसमें तो उनका डोरा वापस मिला था, घूम गए थे, ठीक है, शायरा कैसे आ जाएगा, तो सज्जनगढ़ पहले आ जाएगा, बस क्वेश्चन ही निकल गया, कुछ करना ही नहीं था, ये तो टुच्चा क्वेश्चन पूछा है, सोचो अगर ये सज्जनगढ़ तीन ऑप्शन में पहले दे देता तब भी तुम हल कर देते ना, इस लेवल की ट्रेनिंग है ये भाई, याद ही करवाता हूँ, है ना, ठीक है। और सारा जीके, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कला संस्कृति हो, मनोविज्ञान हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, बजट हो, आर्थिक समीक्षा हो, ये सारे ही विषय मैं याद ही करवा रहा हूँ एग्जाम एम्पायर पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ये बात होगी, अब आ गया, बड़ा मजा आएगा, ऐसे क्वेश्चन से उड़ा दोगे भाई, ज्यादा जोर जोर लगाना ही नहीं दिमाग पे, आ जाओ, देखो देखो देखो, मैं इधर इस पेन को लूं तब तक तुम सोल्व कर दोगे। देखो क्या कहता है, उन निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एर ऊंचाइयों के अवरोही क्रम, बस अवरोही फॉरेस्ट गार्ड 2022 शिफ्ट सेकंड, अरे अवरोही घटता हुआ क्रम, तो बाबाई है, बेराट है, नागपहाड़ है और भेराच है, अरे बाबा, बाबा तो बाद में आया था और उसको बैठने के लिए बोला गया था, ये कैसे आ जाएगा पहले, अरे इनमें से नागपहाड़ पहले आएगा, हाँ नागपहाड़ आ जाएगा, नागपहाड़ पे दोस्तों भैरू बाबा की शरण में चले गए थे, फिर वहां पे बाबा आया था और बाबा को कह दिया तेरा तो रोज का काम है जा करके बैठ जा, अरे लाला ये तो एक एक छोड़ करके पूछ रहा है, अगर ये लगातार भी पूछता तो एग्जाम एम्पायर वाली धराशाही कर देते ना, बस इसीलिए भाई ये फोर्स मत किया करो गुरुजी, जल्दी जल्दी क्लास लो, मेरा हमेशा ये मकसद रहा है कि भले ही टाइम लग जाए, वो कहते ना कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम कमाओ इज्जत के साथ कमाओ, है ना, तो मैं तो अच्छा करवा रहा हूं आपको, बस टाइम ही तो ले रहा हूं, और टाइम क्यों लग रहा है, ताकि तुम्हारा हर एक सवाल निकल पाए, इसमें लटको नहीं तुम एग्जाम में जाके, आज के बाद तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है, ठीक है, आ जाओ भाई आगे देखो, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, भाई साहब बढ़ता क्रम कर दे के बात है, ऊंचाई का बढ़ता क्रम, ये घटता क्रम नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, ये लो ये लो ये लो, ये देखो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, इसका मतलब अगली बार क्या पूछ रहा है, आरोही पूछ रहा है लाला, आरोही तुम्हारे वाले आरोही नहीं, देखो आरोही तो जरगा दिलवाड़ा शेर गुरु श्री कृष्ण में तो करना ही क्या है, गुरु से इश्क लड़ाया, गुरु से दिल लड़ाया, और जरगा बढ़ते क्रम में करना है ना, तो एक दो तीन चार ऐसे आएगा, एक दो तीन चार कहाँ है, एक दो तीन चार यही आ जाएगा, बढ़ता क्रम है ना, बढ़ता क्रम है ना, तो गुरु चार सबसे लास्ट में आएगा, फिर शेर था गुरु से, फिर इश्क लड़ाया दिलवाड़ा, और दोस्तों जरा 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 पास, तो बढ़ता क्रम पूछ रहा है ये, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो कितने बार पूछा गया है, अब वो चाहे जितनी बार पूछे तुम तो देखते ही उड़ा दोगे, आ जाओ देखो देखो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, देखो 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 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटियां उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, बोले तो घटता क्रम है, ले बस असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022, जेईएन इलेक्ट्रिकल डिग्री 2022, जेईएन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा 2020, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020, ले बस असिस्टेंट 2016 में, बताओ ये अवरोही क्रम घटता क्रम पूछ रहा है, तो भाई साहब आ जाओ क्या, अरे अचलगढ़ तो बाद में आएगा, शेर आज गुरु से दिल लगाया, जरा जरा पास तो आ, और गुरु जी चल दिए अपने बाबू के पास, बस हो गया आबू बाबू, ठीक है बी हो जाएगा, हो गया ना भाई, कुछ था ही नहीं। उसके बाद देखो राजस्थान की पर्वत चोटियां, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको, देखो
ये देखो कितना मस्त सवाल है। मेरे पेन लेने से पहले तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद 10 सेकंड के लिए आगे कर लिया करो। देखो, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, फिर से घटते हुए क्रम में। हाँ, क्वेश्चन वो जो फंसता है भाई, गुरु, शेर, जरगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये तो कोई भी कर लेगा, टॉप 10 तो सबको याद रहती है, मजा जब आएगा। मैंने कहा था ना कि शायरा लोग पढ़ाते भी नहीं है, तुम्हें याद है, ठीक है, डोरा, नाग पहाड़, बिलाली, तो भाई साहब इसको करते हैं अवरोही क्रम में। तो कहा गया था कि मैं तेरी शायरी, तू मेरा शायरा, बिल्कुल, और मैं तेरी मजनू, तू मेरी लीला, लीलागढ़ था, उसके बाद उनका डोरा बांधा गया था, है ना, उसके बाद दोस्तों कहा नाग पहाड़ पे गया, और एक बाब आया जो कहते हैं कि लाली भगवान के नाम पे दे देना। तो मुझे लगता है यही सवाल सही हो गया, क्योंकि इसमें शायरा दे दिया, नाग पहाड़ दे दिया, तो ये पहले क्यों दे दिया नाग पहाड़, तो बाद में आएगा डोरा जुड़ेगा, हर्षोल्लास के साथ फिर जाएंगे काल भैरव की शरण में, ठीक है। तो ये बिलाली पहले कैसे आ गया, तो इसका ए सही ऑप्शन हो जाएगा ना लाला, कुछ करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन बस इसका एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद भी कुछ लोग मुझे गालियां देते हैं, भाई साहब मैं तो नरेंद्र मोदी की तरह गालियां खाने की आदत डाल रहा हूं, ठीक है। देखो, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, अब बढ़ता पूछ लिया भाई साहब, तो बढ़ता पूछे, घटता पूछे, क्या है बढ़ता देख लेंगे हम, तो तारागढ़ है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है, गुरुशिखर है, इधर से पकड़ लो भाई, गुरुशिखर तो टॉप पे रहेगा, ठीक है, इसके बाद अचलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, है ना, तो चल के ही तो कुंभलगढ़ गए थे, तो अचलगढ़ आ जाएगा, ठीक है, फिर दोस्तों कुंभलगढ़ आ जाएगा, है ना, सॉरी, हाँ, चल करके कुंभलगढ़ गए थे, अचलगढ़ है तो कुंभलगढ़, ये अचलगढ़ आ जाएगा, फिर कुंभलगढ़ गए थे और फिर तारागढ़ तो बाद में आएगा, आंखों का तारा हो तो सबसे बाद में, तो ये आ जाएगा बढ़ता क्रम, ठीक है, ये सबसे पहले आ जाएगा, समझ रहे हो क्वेश्चन को, ये बढ़ता पूछ रहा है आपकी बार, तो तारागढ़ सबसे कम, फिर उसके बाद कुंभलगढ़, फिर दोस्तों सॉरी, हाँ, कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, चल करके कुंभलगढ़ गए थे और गुरुशिखर, तो इसका ऐसा ही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 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 भाई, टीचर्स तक को नहीं आता है, भूल जाते हैं वो क्रम, तुम चार चार का क्रम ऐसे ही निकाल पा रहे हो। देखो, राजस्थान के निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, फिर से बढ़ता क्रम आ गया, तो ये तो वही बात है क्या, हाँ वही सवाल है, आगे चलते हैं। देखो अब इसका देखो, बड़ा मजा आएगा। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? अब भाई साहब एक बात ध्यान रखना, जो बेराट से जो हमने अब नहीं पढ़ा, बेराट हमने अंतिम पढ़ा, ऐसा नहीं कि बेराट सबसे छोटी छोटी, ऐसा मत मान लेना, लेकिन बेरा अब कोई आपको ऐसा लगे कि जो अनसुनी है वो मान लेना बेराट से छोटी है, ऊंचाई में बेराट से छोटी है, क्या कह रहा हूं मैं, जो सुनी हुई नहीं है इनके अलावा, क्योंकि 35 चोटियां ये 35 क्रम से है, एक भी चोटी इनके बीच में नहीं फंसने वाली, याद रखना। अब जब ये क्रम से है 35, तो अब कोई भी अनसुनी चोटी आएगी वो बेराट से नीचे आएगी, याद रहेगा। तो आ जाओ भाई साहब, ये कह रहा है निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो भाई साहब नाहरगढ़ नहीं सुना, जयगढ़ नहीं सुना, ठीक है, सज्जनगढ़ सुना, तारागढ़ सुना और कुंभलगढ़ सुना, तो भाई साहब सीधा सीधा दिख रहा है कि कुंभलगढ़ गए थे पहले, तो 360 मंदिर है, जय राम, रघुपति राघव, राजा राम, मालखेत से चल दिए थे, चलते चलते पहुंचे थे, तो सज्जन आदमी ने रास्ता बताया था, लेकिन उसने गांव बताया, वहां पे खो गया, मैं तेरा शायर, तू मेरी शायरी, और वो आंखों के तारा थे तारागढ़, तो सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, कुंभलगढ़ हो जाएगा, एक एक अब भुलाना नहीं है, जैसे मैंने बताया ना आपको जिलों की सीमा, राजस्थान के बॉर्डर वाले राज्यों से सीमा साझा, तो सब पता है आपको, हनुमान जी गंगा को प्रसाद चढ़ा के, झुंझुनू बजा के, इतना झुंझुनू कौन बजेगा, नकारा कौन है, नकारा निकम्मा याद आया था, तो वो बींद था, बींद डीवीडी देखेगा, और उसका एक हसीन सपना था काली सिंह कोटा जाकर बजाना था, चीख भी निकलेगी, सारा याद है ना, उसी चोर की तरह, ठीक है। आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में क्रम दर्शाता है, अवरोही बोले तो घटता क्रम, देखो बस देख लो, देखो सबसे पहले तो टाट वाले बालाजी आएंगे, है ना, टाटगढ़, वो ही तो रास्ता बताया था, है ना, गांव का मान गांव का, फिर खो गए थे, तो सबसे पहले टाटगढ़ आएगा, क्योंकि बिलाली बाद में आए रोजा बाकर, रोज रोज का काम है, जाके बैठ जाए तो लास्ट में आएगा, ठीक है, तो टाटगढ़ आ जाएगा, ठीक है, तो टाटगढ़ सबसे पहले क्वेश्चन ही निकल गया, बताओ दुनिया वाले मिलाएंगे इसको, दुनिया वाले आधा घंटा देंगे, ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, तुम्हारा निकल गया कि टाटगढ़ आएगा, फिर दोस्तों खो आ जाएगा, फिर बिलाली आ जाएगा, और तुम्हारा तो रोज रोज का काम है, जाके बैठ जाओ, बेराट आ जाएगा। समझ आ रहा है, समझने का कुछ नहीं, करवा दिया याद ना, इसके बाद भी अगर तुम कमेंट नहीं करते हो ना भाई, अपने आप से पूछ लेना कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो तुम, है ना, पूछ लेना भाई,
और कमेंट सिर्फ वो एक लाइन का नहीं चाहिए, है ना, वो तो उनको चाहिए जो सिर्फ पढ़ाते हैं। मैं तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी हूँ भाई, तुम्हारे लेवल का, है ना। हमने भी कमेंट किए थे किसी जमाने में, जब हम पे हुआ तो हम पे भी होश है, ठीक है, है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा सीकर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? गुरु से इश्क लड़ाया, ठीक है, गुरु से इश्क लड़ाया तो भाई साहब जरगा था ना, कुंभलगढ़ से ऊंचा जरगा, क्योंकि रघु न रघुपति राघु तो बाद में आएगा, खोएगा भी वो बाद में जा करके। शायरा शायरा बहनों, वो तू मेरी शायरी शायरा तो बहुत लेट आएगा, अब बताओ कुछ करने की जरूरत है, सीधा ही निकल गया। और ये क्वेश्चन वैसे तो गलत है लेकिन निकल गया तुम्हारा, बीच में और भी चोटियां पड़ती थी ना, गुरु से इश्क लड़ाया, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित, अवरोही बोले तो घटता क्रम, तो देखो भाई साहब घटता क्रम, देखो मैं चार पकड़ लेता हूं, खो है, टाटगढ़ है, नागपहाड़ है, टाटगढ़ है, तो इनमें से सबसे ऊपर कौन आएगा? अरे टाटगढ़, टाट वाले ने तो बताया था कि आगे मानगांव आएगा, वहां खो जाएंगे, तो टाटगढ़ आ जाएगा। फिर वो खो जाते हैं, फिर नागपहाड़ पे भैरव की शरण में चले जाते हैं, बेरा चलवर, ठीक है, तो भी हो जाएगा। बताओ क्या था, क्या था इन क्वेश्चंस में? आ गया हूं, आ गया हूं। निम्नलिखित को पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बोले तो घटते क्रम में, ये देखो लीलागढ़ आ गया, लोग करवाते नहीं है, ये शायरा आ गया, ये शायरा था ना ऊपर, लीलागढ़ करवाते ही नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में पिछले सीईटी में पूछा गया था, फिर से पूछा जाएगा चोटियों से क्वेश्चन और तुम्हारा मजाक मजाक में निकल जाएगा, ठीक है। देखो सज्जन रघुनाथगढ़ जरगा जरगा, अच्छा हमसे खेल रहा है, फिरकी ले रहा है, जरगा जरगा दो बार दे दिया, ये तो हमको पता है कि जरगा सबसे ऊपर आएगा। इश्क लड़ाया, जरा जरा पास तो आ चौथे नंबर पे जरा, क्योंकि आगे सज्जन तो आदमी तो बताएगा, रघुनाथ रघुनंदन रघुपति राघु बाद में आएगा, ठीक है, तो जरगा है। इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, इससे छोटी तो रघुनाथगढ़ है, लीलागढ़, भाई सौ तगड़ा क्वेश्चन फंसा दिए, तो अब रघुनाथगढ़ है, सज्जनगढ़ है, लीलागढ़ है, अरे भाई सीधा ही दिख रहा है, फिर रघुपति राघु राजा राम किया, फिर बहुत आगे चले गए तो सज्जन आदमी ने रास्ता बताया गांव का, और वहां पे क्या खो गए, तो लीला तू मेरी लीला में तेरी मजनू, तो ये आ गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कुछ था ही नहीं। बताओ आ रहा है मजा भाई? और ये है ना, ये क्लास मतलब इतनी फास्ट में टू अक्स करके, तो वो देखना ही मत, टू अक्स का तो तुम सोचना भी मत कि टू अक्स करके देखोगे, है ना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, आपको नहीं करे तो पाप के भागी तुम बनोगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है, आरएस प्री 2016 फिर घटता हुआ क्रम, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, शेर है, जरगा है, है ना, शेर आ गया, जरगा आ गया, फिर सज्जन आदि बताएगा और तारागढ़, ये आ जाएगा, ठीक है, शेर है ना, शेर दिल लड़ाया, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये बात थी दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं क्या, तुम मानो या ना मानो, इसी प्रकार से हर एक मुश्किल टॉपिक को जी के याद गारंटी बेच में याद ही करवाया जा रहा है, चाहे वो फिर सहायक संधियां हो, चाहे पॉलिटी के आर्टिकल्स हो, चाहे खनिज हो, वन रिपोर्ट हो, जनगणना हो, बालू का स्तूप हो, जो तुम सोच सकते हो, चाहे जिलों से सीमा हो, चाहे अंतर्राज्यीय सीमा हो, चाहे कितना कुछ भी हो, जो तुम सोच सकते हो, जो टफेस्ट क्वेश्चन तुम इमेजिन कर सकते हो, वो सारा जी के याद गारंटी बेच में याद करवाया जा रहा है। और उस जी के याद गारंटी बेच पर आज 30 जून से लेकर के 3 दिवसीय ऑफर है, 30 जून 1 जुलाई और 2 जुलाई रात 12 बजे तक लपेट लेना। ये इस प्रकार का अपना ऐप का लोगो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, कमेंट कर देना। अगली क्लास मेरे बर्थडे वाले दिन 1 जुलाई को इसके ये क्रम से और जिले याद कराने वाली क्लास, आरोही और अवरोही का क्वेश्चन तो आपका निकल जाएगा, ऐसा ही किया दो क्वेश्चन आता है, देखते ही निकाल लोगे और तुम्हारा काम तो हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादातर आरोही और का पूछा जाता है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाता, किसके लिए पढ़ाता हूं, टॉप रैंक दिलाने के लिए। तो क्या फर्ज बनता है मेरा कि बाकी दुनिया जहां लिखा भी नहीं पा रही है, मैं ये क्रम भी और ये क्रम भी आपको याद ही करवा दूं कि कौन सी चोटी किस जिले में है और उसकी ऊंचाई भी पूछ ले, तो कम से कम एलिमिनेशन मेथड लगा के आप क्वेश्चन निकाल पाओ, आपका गलत ना हो। ये इसकी नेक्स्ट क्लास, एडवांस क्लास आपको एग्जाम एम्पायर ऐप पर 1 जुलाई मेरे बर्थडे वाले दिन जब ऑफर भी रहेगा वहां आपको एज ए पार्टी दे दी जाएगी। तुम मेरा गिफ्ट लेके तैयार रखना और गिफ्ट के तौर पे आज बढ़िया सा कमेंट ठोक देना, ठीक है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं, जितनी मेहनत में करके आया हूं ना दोस्तों
उतनी मेहनत, अब ये आपको पता है, मैं नहीं बता रहा क्योंकि 4-5-3 साल से तुम पढ़ रहे हो मार्केट में, ऑफलाइन भी पढ़ लिया, और बता दूं राजस्थान के सबसे बड़े कोचिंग जो तुम जानते हो 3-4, उनके बच्चे सबसे ज्यादा मेरे पास है, 1-1 लाख 20 हजार 40 हजार कटवा करके मेरे पास आ रहे हैं। इवन ऑप्शनल वो वहां ले रहे हैं, जीके के लिए फर्स्ट पेपर के लिए मेरे पास आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मेंस का वो कहीं और से पढ़ रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स के लिए आ रहे हैं, इस प्रीलिम्स के लिए मेरे पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि याद ही होता है। तो इसका अगला जो एडवांस क्लास है वो हम एग्जाम पर एप करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट होकर के प्यार दिखा देना, बर्थडे पे तुम्हारा सबसे सुंदर तोहफा मेरे लिए जो मैंने आपको ये क्लास दी है, आपका 2 नंबर 4 नंबर तो आगे हो गए हो, आप अच्छा सा कमेंट ठोक देना, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगर मजा नहीं आया हो तो क्लास वो भी लिख सकते हो कि सर मजा नहीं आया, लेकिन मुझे पता है अब पूरी कहानी आपके दिलो दिमाग में चलेगी, एक बार नहीं दूसरी बार देख लोगे चलेगी पक्का, और एग्जाम से पहले एक बार रिविजन कर लेना, 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल 1 जुलाई को एग्जाम एम्पायर पर, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना अच्छा पीना, और सिलेक्शन के लिए कभी मत पढ़ना, टॉप रैंक के लिए पढ़ना, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लक्ष्य हमेशा अगर इतना बड़ा सोचोगे इतना तो मिल जाएगा, अगर इतना ही सोचोगे तो इतना ही मिलेगा। तो इसलिए कहता हूँ सपने हमेशा बड़े देखो और पढ़ो ऐसे कि याद ही रहे, क्योंकि एग्जाम में ये कतई नहीं पूछा जाएगा कि तुम कहाँ से, किस कोचिंग से, कितने मोटे टीचर से, कितने रुपए देके ऑफलाइन ऑनलाइन एसी में कूलर में चार पाई पे कैसे पढ़ रहे हो, नहीं पूछा जाएगा ना। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको आता है तो आपके अपनों की जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, 7 पीढ़ियों के लिए आप कुछ कर पाओगे, नौकरी लग के अपने माँ बापों के सपने पूरे कर पाओगे, और वो तभी पॉसिबल है जब जो आप पढ़ रहे हो वो याद रहेगा, और याद रहने के लिए सवाल निकलना जरूरी है जैसे अभी आपके निकले। तो अब आप बाकी आप सभी मैच्योर हो, वहां से पढ़ो जहां याद होता है, मैं नहीं कहता मेरे से पढ़ो, लेकिन मुझे पता है जो कमेंट आते हैं मेरे को तो याद ही करवाता हूँ, रेसा अभी तक कोई पीस बना नहीं है, तो आप कमेंट ठोक देना, और कमेंट नहीं सिर्फ 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर, इतना मोटा कमेंट है ना, वही मैं देखता हूँ, ठीक है, जितना मोटा कमेंट है उसको उतना ही प्यार से दिखूंगा, और मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आए तो 92-56-58-42 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ऑफर 2 जुलाई रात 12 बजे तक, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना जा करके, और पुराने बच्चे जिनका एक्सपायर हो रहा है वो भी इसी ऑफर में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिनका जुलाई में जब भी ऑफर हो रहा है, निकट भविष्य में जुलाई में ऑफर आने वाला नहीं है, 1 महीने से ऑफर आया भी नहीं था, मैं ऑफर नहीं निकालता हूँ, क्योंकि जो बच्चा मुझे देखता है एक ही बार मैं ऐप पे पहुंच जाता है, ऑफर की जरूरत रहती नहीं है, और ऑलरेडी कम ले रखा है मैंने 2000 तक, और एक 3 साल वैलिडिटी वाला है वो 4000 का है, उसको भी 3000 में ऑफर में है, वो 3 साल की वैलिडिटी सिर्फ 3000 में है, जीके याद गारंटी बेच की सब कुछ, हर एक एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट साथ में फ्री, ये पीडीएफ फ्री है, ये टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी पीना, ठीक है, उसके अलावा मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। कमेंट प्लीज यार, कमेंट है ना, बहुत जरूरी है कमेंट, ठीक है, थैंक यू।